नमस्कार, एक बार फिर आपका स्वागत है साधना न्यूज में। रुक करते हैं खबरों की। जगदलपुर चित्रकूट महोत्सव के बाद दूसरे सबसे बड़े महोत्सव मेले गड़िया महोत्सव का आगाज हुआ। 3 दिवसीय गड़िया महोत्सव में आसपास के इलाकों ने ग्रामीणों ने में बड़ी संख्या में पहुंचकर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आनंद लेंगे। वहीं दूसरे दिन स्कूली बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुति देकर दर्शकों का मन मोह लिया। क्षेत्र के कलाकारों, बाहर से आए हुए कलाकारों ने भी एक से बढ़कर एक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी। सांसद दीपक बैज ने कहा कि अपनी लोक संस्कृति और सभ्यता को सहज कर रखने के लिए ऐसे महोत्सव किए जाने चाहिए। क्षेत्र के सभी जनप्रतिनिधि गड़िया मेले को एक महोत्सव के रूप में मनाते आए हैं। निश्चित रूप से सबसे पहले मैं तो आप सभी परम मीडिया के साथियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं और धन्यवाद देता हूं कि हमारे इस छोटा सा शुभारंभ इस गड़िया महोत्सव में आप लोग पधारे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये गड़िया हमारा गृह ग्राम है। हम लोगों ने चित्रकूट महोत्सव शुभारम्भ किए, काफ़ी सालों से चल रही है। इस तरह से गृह ग्राम होने की वजह से और साथ ही यह है कि हम लोग एक छोटा सा सोच से हम लोगों ने शुरुआत की। पिछले वर्ष लगातार दूसरा साल है कि हम लोग गड़िया मेला हर साल हम लोग मनाते हैं। इस मेला को हम लोगों ने महोत्सव रूप में हम लोग परिवर्तन करें, तो ये लगातार दूसरा साल है जो हम लोग गड़िया महोत्सव रूप में मनाते हैं। इसके साथ ही हम लोग यहाँ पर 3 दिन 10 11 12 तीन दिन चलेगी। आज दूसरा दिन है, कल समापन होगा। हम लोकल कलाकारों को, स्कूली छात्र छात्राओं को, गांव के कलाकारों को लगभग हम लोग 6 से 8 से 9 लगभग 2 से 3 घंटा हम तीनों दिन मौका दे रहे हैं। इसके साथ ही प्रदेश के हमारे बड़े कलाकार उनको हम आमंत्रित हैं तीनों दिन। इसके अलावा प्रदेश से बाहर उड़ीसा मुंबई का ऑर्केस्ट्रा भी है। इस तरह से बड़े बड़े कलाकार का आयोजन होना है, तो निश्चित रूप से हम लोग चाह रहे हैं कि इस मेला के माध्यम से हम लोग हमारी बस्तर की संस्कृति, छत्तीसगढ़ की संस्कृति, लोक कला को हम बराबर हम लोग इसको बनाए रखना चाहते हैं और साथ ही हम लोकल कलाकारों को एक बड़ा मंच देकर उनके हम लोग कला को हम लोग प्रदर्शित करना चाह रहे हैं। ये हमारा मूल उद्देश्य और मूल हम लोग का सोच है। मांडलगढ़ के राष्ट्रीय राजमार्ग